क्या कहेंगी नए साल में? आप कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करने वाली हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या करने वाली हूँ नए साल में? ऐसा तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भड़काऊ भाषण जैसे लोग वीडियोस डाल रहे हैं और हिंदुस्तान की बोलते हैं ना कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये HM जैसी चीज़ होने की संभावना हो रही है। क्योंकि कुछ हिंदू शेर बोल के अपने आप को, जो डोंकीज है, गधे जिसको बोलते हैं, कॉकरोच जिसको बोलते हैं, एंट जिसको बोलते हैं, इस किस्म के लोग अब वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू शेर बोल के और इस तरीके के अब वीडियोस वो बना के डाल रहे हैं। फिर उसके रिप्लाई कुछ मुस्लिम्स डाल रहे हैं, तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के वीडियोस चढ़ते जाएंगे, फिर वो गाली गुफ्तारी और ज़्यादा होती जाएगी। नए साल में मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसा हो जिससे बर्बादी जैसी कोई चीज़ सामने नज़र आए और HM यानी कि हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नज़र आए। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को कानून ने अरेस्ट करना चाहिए। नए साल में सबसे पहला मैसेज मेरा ये है कि जो लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और तकलीफ पहुँचा रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं। पहली बात तो देखो, मैं एक बंदे का नाम जानती हूँ, क्या नाम है उसका, सुरेश, हाँ, कोई एक सुरेश दलाल करके है, वो काफ़ी सारे वीडियोस उसने डाले हैं और जिस वीडियो में भी वो बोलता है तो वो मुसलमानों को दल्ला और दलाल कहता है, ठीक है, जो कि 100% गलत है। और उसने आज मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें उसने ये कहा है कि हिंदुओं को तो जला दिया जाता है और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में उनकी अस्थियों को पानी में बहा दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम्स को जो है दफन किया जाता है, दफन करने के बाद में कीड़े मकोड़े खाते हैं और कुत्ते जो हैं हमारी कब्रों को खोद के और हमारी कब्रों से गोश्त निकाल के कुत्ते खाते हैं। मतलब तुम बैठ के वो निगरानी करते हो, तेरे बाप का राज चलता है, तू हमारे कौम के बारे में बोले, हाँ, इस तरीके की चीज़ें अगर वायरल होती है तो आप ये भी सोचिए कि ये अगर ये इस तरीके की चीज़ें वायरल होती है तो ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करती हैं और इससे बहुत बुरी तरीके से पता नहीं आगे चल के क्या मोड़ आएगा और किस तरीके से लोग बिहेव करेंगे और कैसा झगड़ा और दंगा इस वजह से हो सकता है। तो साल का सबसे पहला मेरा मोटिवेशन और आप ये बोलते हैं रिजोल्यूशन ये होगा कि कानून ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन लोगों को अरेस्ट करके ये दिखाए कि जो देश में ऐसी चीज़ों को लाते हैं और इस चीज़ों पे बोलना चाहते हैं, इन लोगों को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए और इनका अरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लोगों को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके नाम पे कंप्लेन की और मैंने इसके अभी यहाँ से ऑफिसर निकलूँगी और FIR फाइल करूँगी। और मैं एक बात और चीज़ बताना चाहती हूँ, इस बंदे के ये दिल्ली रोहिणी सेक्टर 36 में रहने वाला बंदा है, इसके IP एड्रेस हमने निकाले हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी 176 कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। ये एयरटेल का यूज़र है। ये हम एक चीज़ मैं बता दूँ, हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारा मुंबई पुलिस है, ठीक है। हिंदुस्तान के अलावा विश्व भर में अगर हम काउंट करेंगे तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जो पुलिस डिपार्टमेंट है पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तानी पुलिस जो है, मुंबई पुलिस स्पेशली, मुंबई क्राइम ब्रांच ले लो, मुंबई एक्सटॉर्शन सेल ले लो, मुंबई ATS ले लो, आप इंडियन आर्मी ले लो, या फिर आप बोलो मुंबई IPS डिपार्टमेंट ले लो, IAS डिपार्टमेंट ले लो, ये विश्व में सेकेंड नंबर पे आते हैं, ये विश्व में सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो ऐसे कॉकरोचेस जो झूठा IP एड्रेस, यानी कि ये एक बार वीडियो अपलोड करता है तो फिर ये IP एड्रेस ब्लॉक कर देता है। तो इसके ये 4 IP एड्रेस निकले हैं, ठीक है, जो इसने ब्लॉक कर दिए। उसके बाद में अभी इसका नया IP एड्रेस जो है, जिससे इसने लास्ट वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इसने, और ये अल्लाह ताला को खुलेआम दल्ला कहता है, बोलता है जो इंसान जो दुनिया में नहीं है दल्ला, उसके बारे में क्यों बोलती है वो प्रज्ञा सिंह। वो एक लड़की, हिंदू लड़की है जो हमारे कास्ट के ऊपर बात करती है, और वो क्यों बात करती है, उसका मन है,
हम किसी को रोक नहीं सकते, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई भी अपने मन से कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर कोई भी गलत कहता है तो उसके ऊपर सही एक्शन लेना ये कानून का काम है। और 176 कंप्लेंट होने के बावजूद अगर इस लड़के को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है तो ये बड़ा प्रश्न मार्क है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं हम इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। लेकिन अभी मेरे पास इसका पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस है, इसके घर का एड्रेस है, इसका मोबाइल नंबर है। इस मच्छर ने समझा था कि मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाऊंगी, मैं से पूरा ट्रैक कर चुकी हूँ। देखो भाई, मेरा ईमान बहुत मजबूत है, और जब मैं ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई बीमार भी पड़ा हो तो मैं पढ़ के फूंक दूँ तो वो ठीक हो जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आए हैं, आज 14 साल हो गए मुझे रिहाब चलाते हुए, 14 साल कंप्लीट हो गए। और रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि कोई भी पेशेंट हो, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो HIV पॉजिटिव थे, जिसको हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहते थे लोग, लेकिन वो मेरे पास रहे हैं। हम उनको अलग कमरा देते थे, हम रखते थे उनको। ऐसे पेशेंट आए जिसको गैंग्रीन हुआ है, गैंग्रीन वो भी कैसे, पैर के यहाँ से पूरा यहाँ तक में, और जिंदा कीड़े पैर से निकलते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस पेशेंट का इलाज मैंने किया है, प्लकर से मैं उसके जिंदा कीड़े निकालती थी, जिंदा कीड़े मैं उसके प्लकर से निकालती थी और उसको ड्रेसिंग करती थी, उसको ठीक करती थी। ठीक है, वो बंदा JJ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था ये बोल के कि ये बंदा नहीं बचेगा। क्या नाम था? जाफर चाचा ना, जाफर जाफर चाचा। जाफर और वो जाफर चाचा, तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उसको डिस्चार्ज किया तब वो पैर भी ठीक हो चुका था, वो खुद भी ठीक हो चुके थे। और वो जाफर चाचा ट्रेन पकड़ के अपने घर में, डिस्चार्ज होने के बाद में ट्रेन पकड़ के अपने घर में विंडी बाजार गए थे। तो ये मैं अपने आप को ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी महान हूँ। मैं हर इंसान को, अगर किसी का भी कि मैंने खून बहते हुए देखा, तो सबसे पहले मैं वो खून को रोकूंगी। मेरा ईमान इतना मजबूत है कि अगर मैं किसी भगवान की पूजा करने के लिए गई हूँ, अगर किसी की मूर्ति की पूजा करने गई हूँ, लोग कहते हैं कि मैं वो शिर्क है। मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं अपने को ये समझती हूँ, सर्कुलर समझती हूँ, क्योंकि सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। परवरदिगार आलम, अल्लाह अकबर, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, अल्लाह अकबर के मतलब ये होता है कि अल्लाह से बढ़ के कोई भी नहीं है, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। ठीक है, लोगों के मानना और पूछना, लोगों का पूजना, सब कुछ उनकी अपनी मर्जी से है। अगर मैं किसी हिंदू के घर में पैदा होती तो शायद मेरी आँख खुलती तो मैं भी भगवान को ही पूछती। करेक्ट, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुई हूँ, मैंने मेरा ईमान पक्का है, और मैं अल्लाह से अगर गुजारिश करती हूँ, कोई दुआ करती हूँ, तो मैं यही मांगती हूँ, अल्लाह मेरे ईमान के सदके में, अपन जतन पाक के सदके में, मैं अगर किसी को पढ़ के फूकती हूँ या अगर मैं पढ़ के कोई चीज़ देती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े बड़े IPS ऑफिसर से लेके बड़े बड़े ऑफिसर्स, डॉक्टर्स इनफैक्ट, और मेरे स्टाफ तो सब लोग जानते हैं अच्छी तरह, बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं और वो नोट पढ़वा के लेके जाते हैं कि उनकी मुश्किलें दूर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मुश्किलें दूर होती है। बिलीव करोगे कि जो बच्चियां मेरे पास में आती, जो बच्चे आते हैं, लड़कों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस मुंह तोड़ हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त लड़कियां उनको परेशान कर रही हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि लड़कियां ये जाती हैं कि बड़े बड़े लॉयर्स, क्योंकि उनके पति खरीद लेते हैं लॉयर्स को, PPs को खरीद लेते हैं, तो वो बोलती हैं कि आप ऐसा लॉयर दो कि जो बिके नहीं। अब जो लॉयर मैं देती हूँ उसके चार्जेस है 2-2 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये वो केस लड़ने का लेते हैं, एक एक हेयरिंग का 50,000 रुपये लेते हैं। लेकिन जब मैं गेट पास बना के देती हूँ, मेरा स्टैम्प लगता है, मेरा सिग्नेचर लगता है, तो गेट पास में बना के देती हूँ, तो मैं उसमें लिख के देती हूँ कि शी इज़ अ पुअर गर्ल, डोंट चार्ज हर मच, और मैं लिख देती हूँ कि क्या चार्ज करना है। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं कि आपकी पहुँच जब इतनी ऊपर है कि इतना बड़ा लॉयर जिसकी फीस इतनी है, आप इतना बड़ा लॉयर उसको आप ये लिख के दे देती हैं कि इससे इतना नहीं इतना चार्ज करना है, तो आपको कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ इस पोजीशन पे बैठना चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ आप मुंबई के लोगों का नहीं, पूरे देश का विकास करें। हाँ, तो मेरी उम्मीद ये है, इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने साथ दिया, और पब्लिक तो डिमांड यही कर रही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे देश का कुछ भला हो, तो मैंने तो सोच लिया है, ये रहा मेरा देश।
जो मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। मुझे पता है कि मेरी जान जानी है मेरे देश की वजह से ही, क्योंकि जितने मेरे फैंस के कॉल आते हैं उतने थ्रेट कॉल्स भी आते हैं। इसलिए आपने भी कहा कि आपा तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, आपने भी शिकायत की मुझे यही, तो मेरे दोनों कॉल्स जो है डाइवर्ट है, एक मेरे पीए के कॉल्स पे, दूसरा मेरे मैनेजर के कॉल्स पे। तो मुझे ये पता है कि ये कॉल्स उठाना मेरा बहुत बड़ा सर में दर्द है, तो मैं नहीं उठाती हूँ फ़ोन। और ये अच्छी तरह जानती हूँ कि पॉलिटिशियंस को मुझसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो नगर सेवक हो और चाहे वो कोई एमपी हो, एमएलए हो, या कोई कोई मिनिस्टर हो, सबको प्रॉब्लम है मुझसे। चुनाव अभी मुझे किसी ने पूछा था कि अब आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या आप सोचती हैं, किसी पत्रकार ने ही मुझे पूछा था, तो मैंने कहा था कि शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में मैं आपकी अच्छी खासी इंशाल्लाह बेटा कि मैं चुनाव के बारे में ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि ये देखिए ये हमारे महात्मा गांधी जी के तीन मंदिर बैठे हुए हैं, इन्होंने अच्छी तरह से बताया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। महात्मा गांधी जी मेरे फर्स्ट आइडल, सेकेंड आइडल मेरे श्री शिवाजी महाराज, एंड थर्ड आइडल मेरे बाला साहेब ठाकरे। तो इनके प्रोविजंस को लेके, इनके एजेंडाज को लेके मैं चलती हूँ। अब तुम सोच लो कि मैं तीन लोगों के एजेंडाज को मिक्स करके चलती हूँ और तीनों महारथी, तो सोच। यस, मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं कहाँ से लड़ेंगी ये तो बता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यानी एमपी का चुनाव मैं बांद्रा से ही लड़ूंगी। पार्टी कौन सी होगी? पार्टी की मर्जी है, वैसे तो पार्टियों के बहुत ऑफर है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर ऐसा हो जाएगा कि मैंने नाम ले लिया। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि मैंने फिर एक्सपोज कर दिया। बोलते हैं ना मैं कंट्रोवर्शियल बहुत बोलती हूँ। इतनी तकलीफ इंसान मुझे पहुँचाते गए, जितना दर्द मुझे लोग देते गए, जितना बोलते ना टोचन मुझे पहुँचाते गए, उतना ज़्यादा मैं स्ट्रांग होती गई। बोलते हैं ना मैं वो कोई छोटा सा पत्थर नहीं हूँ कि तुमने उठाया और फेंका था और गिर गई कहीं पे, मैं वो चट्टान हूँ कि तुमने अगर बोलते ना जैसे कंकर भी मारा ना, तो चट्टान की मजबूती और ज़्यादा मजबूत होते जाती है। चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो और मजबूत होएगा। वो पत्थर जो तुमने मारा ना, वो पत्थर टूट के गिर जाएगा, चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मैं बस यही चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ इतनी करती हूँ कि मेरी हर जंग में मुझे फतेह हासिल हो और मैं हर किसी को उसका हक दिलाऊँ और हर मोमिन और मोमिनीन की जायज़ ख्वाहिश पूरी हो। आमीन सुम आमीन। और मैं गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को एक चीज़ साबित करूंगी और पूरे हिंदुस्तान को एक चीज़ साबित करके रहूंगी कि दो दो ही जात है जो हिंदुस्तान में ज़्यादा है, जिनकी बोलते हैं ना काउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बाकी की कास्ट बहुत कम काउंटिंग में है। हमारी दो जातें हैं हिंदू और मुस्लिम्स की, जो ज़्यादा कैलकुलेशन में ज़्यादा है, पॉपुलेशन में ज़्यादा है। तो इन दो जातियों के बीच में लोग जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है, ये दो जातियों के ऊपर खेलते हैं। पब्लिक से मेरी एक गुजारिश है कि ये चीज़ समझें आप कि सिर्फ पॉलिटिकल गेम है। अगर ये सुरेश भाई, मैं वापस इस टॉपिक पे बोलूँगी, ये सुरेश भाई जो दल्ला कह रहा है, दलाल कह रहा है मुस्लिम्स को, अगर ये जेन्युइन बंदा होता तो इसके हर एक वीडियो के बाद में आईपी ये ब्लॉक नहीं करता, ये नई नई आईपी एड्रेस पे ये नहीं बोलता। ये अगर सच्चा इंसान होता, मैं शबनम शेख मैं मेरे ऑफिस में बैठी हूँ, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा वाईफाई चल रहा है, ये वाईफाई मेरा आईपी एड्रेस है, यही रहेगा। मैं मेरे घर से वीडियो चढ़ाऊंगी तो मेरे घर पे का जो आईपी एड्रेस है वही आईपी एड्रेस रहेगा, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई चोर डाकू या डकैत नहीं हूँ,
लेकिन तुम साले कमीने, तुम वो चोर डके तो कि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई भड़वा बैठा है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, कोई ये दलाल के पीछे दूसरा दलाल है जो पॉलिटिकल कुत्ता है, जो इसको बोलने के लिए बोलता है, 100 रुपये का टी शर्ट पहन के बंदा बैठता है और बकवास करता है हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, और वो भी इलेक्शन के सर पे। क्यों कर रहा है वो ऐसा? उसके उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं ये करने के लिए। ये हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई जाने, एक चीज याद रखना, ये बातों पे आकर कोई भी जवाब देना या उसको पॉपुलर करने के लिए उसकी उसके कमेंट्स या उसकी बातों पे जवाब देकर आप उसको पॉपुलर ना करें, उस सुरेश दलाल को पॉपुलर ना करें, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकली फेंका हुआ एक कॉइन है। बोलते ना कॉइन उड़ाना, वो एक कॉइन है सिर्फ, जिस जो खेला जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम एचएम जैसी चीज़ें, एचएम आप समझते हैं, एचएम हिंदू मुस्लिम राइट्स जैसी चीज़ें हिंदुस्तान में हो, और जो हम हिंदुस्तानी भाई बहन हैं ये चीज़ को समझें और ये होने ना दें। जब भी ऐसी चीज़ सामने आती है तो आप समझो ये सब इलेक्शन से पहले क्यों होता है, अपने दिमाग को लगाए। और प्लीज़, मैं आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी महान हूँ, मैं आपको सिर्फ ये आगाह करना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों ये चीज़ों को समझें और समझ के, सोच समझ के कदम उठाना। कभी भी लड़ाई झगड़े के लिए आगे मत आना, हमें लड़ना नहीं है, हमें अपनी एकता दिखानी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, पता नहीं कितनी जात है हमारे हिंदुस्तान में रहने वाली, मेरे ख्याल से 127 कास्ट आर स्टेइंग इनसाइड दी कंट्री, हिंदुस्तान के अंदर तो जितनी तो उंगलियां भी नहीं है हाथ में, तो इन सबको मिला के हमको अपनी मुट्ठी बनानी है, और पॉलिटिकली कुत्तों को ये पंचेस मार रहे हैं, समझे? तो लड़ना आपस में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी बहन का एक छोटा सा मशवरा है, अगर बहन समझते हो तो समझना, नहीं समझते और जो कमेंट में गाली देते हैं ना, अपनी माँ बहनों को क्यों गाली देते हो यार? तुम्हारी माँ बहनों को दे रहे हो तुम, मुझे नहीं लगती हो, क्योंकि जब भी मदमस्त आती है ना सैर करने के लिए रोड पे निकलता है ना, तो खुजली वाले कुत्ते बहुत भोंकते हैं, जिससे है ना हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? और मैं तो वो शेर नहीं हूँ जो नींद में भी शिकार करने के लिए तैयार रहती है, याद रखना। नए साल की शुभकामनाएं सबको, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूवर्स ऑफ माइन, माई फैंस, माई लवर्स। अच्छा, मुझे ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से हैदर कॉल ना आता हो, और थैंक यू एवरीवन। आज मुझे इराक से कॉल आया जिसने मुझे कहा कि शबनम जी, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता था, और आज आपसे बात हो गई, कोई भी मदद आपको चाहिए? कोई भी मदद? मैंने कहा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। बोले नहीं, वो फाइनेंस हो या कोई और मदद हो, इराक आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो मुझे उस बंदे की बात को सुन के बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कंट्रीज हैं, इवन सऊदी, इवन दुबई, इवन यूएसए, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान, एंड इवन यू कैन से यूके एंड रशिया, सारी कंट्रीज से कॉल आ रहे हैं हाल हेल्प केयर फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए बाय ऑल द एंगल्स। सो थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर वर्ल्ड टू सपोर्ट हेल्प केयर फाउंडेशन एंड फॉर योर लव एंड फॉर योर काइंडनेस। लव यू ऑल माई व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन।